हेलो ऑल, तो कैसे हैं आप सब? आज हम बहुत बढ़िया एंड यमी और टेस्टी भी चिकन की रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसका नाम है मुर्ग मुसल्लम। मुर्ग मुसल्लम एक ऐसी रेसिपी है जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ ही जाता है। तो आज हम यही बनाने वाले हैं एकदम अच्छे ट्रिक से, जिससे कि आप तुरंत घर पर झटपट इसे बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए, क्योंकि अभी ऐसे लाजवाब वीडियोज़ बहुत सारे आने बाकी है। जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, साथ में उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियोज़ डालूंगी, टन से आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए चाहिए वो है चिकन। तो क्योंकि हम मुर्ग मुसल्लम बना रहे हैं तो चिकन तो लेना ही है ना, तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चिकन लिया है। उसे हमें करना क्या है कि इस तरह से कट लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ, और बिल्कुल बढ़िया सा कट लगाना है। और वो इसलिए लगाना है ताकि जब हम इसे मैरिनेट करें तो हमारे जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक चले जाए और उसे बिल्कुल बढ़िया सा फ्लेवर दे दे। तो अभी हमें करना क्या है मैरिनेशन के लिए, कि पहले एक कोई भी बाउल लेनी है, उसमें लेना है विनेगर, फिर रेड चिली सॉस और फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये तीनों चीज़ लेने के बाद हमें करना क्या है कि इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ, एंड इसके साथ में हमारा फर्स्ट मैरिनेशन हमें देना है अपने चिकन्स को। तो यहाँ पर देखिए, मैं बिल्कुल बढ़िया से इसके कट्स में डाल रही हूँ ताकि अच्छे से हमारा जो ये स्पाइसेस है अंदर तक चली जाए इसमें, और फिर बिल्कुल बढ़िया सा फ्लेवर दे दे। इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मैरिनेट करना है। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है, इसके बाद भी हम इसे मैरिनेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट मैरिनेशन भी ज़रूरी है बिल्कुल बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये फर्स्ट मैरिनेशन हो चुका है, तो हम इसे कम से कम 15 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देंगे। तो हम 15 मिनट तक उसे फ्रीज़र में डाल देते हैं, और फिर क्या करेंगे हम कि लेंगे कीमा। यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा है, और इस कीमे में हम डालने वाले हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ में हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर भी, और फिर जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। हम यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, वही हम इसमें डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी वाली पाउडर और थोड़ा सा सरसों का ऑयल। और फिर क्या करेंगे हम कि इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर रही हूँ, और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम अपने आगे के प्रोसेस में चलेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर जो है ना, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर कम लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर और डाल दिया है। एंड हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दोबारा से, ताकि हमारा जो रेड चिली पाउडर है वो हमारे कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और बिल्कुल बढ़िया सा तीखा तीखा इसमें टेस्ट आ जाए। यहाँ पर मेरा मिक्स हो चुका है ये, तो हम क्या करेंगे इसे अभी साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर क्या करेंगे कि थोड़े से स्पाइसेस से हम मिलेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा है कि लिया है कैश्यू, फिर उसके बाद है मेरे पास थोड़ा सा नारियल, सूखा नारियल का बुरादा, फिर है पोस्तोदाना, और कुछ स्पाइसेस लिए मैंने जिसमें मेरे पास है धनिया, फिर दालचीनी और थोड़ी सी जीरा, और फिर थोड़े से है इलायची, बड़ी वाली छोटी वाली दोनों। और इन सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बढ़िया से भून लिया है। जो जो चीज़ गर्म मसाले में आती है वही सारी चीज़ों को मैंने लिया है और भून लिया है। और साथ में जो हमने वो नारियल वाली बुरादा और फिर पोस्तोदाना और वो जो काजू लिया था, उसे भी मैंने भून लिया है। और इस सब का भी करना क्या है कि पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है दोनों का, बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट बन करके रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद हमें करना क्या है कि थोड़े से ब्राउन अनियन की भी हमें पेस्ट बनानी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से अनियन लिया है, और उसे मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, एंड इसका भी हमें पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर टोटल हमारे 15 मिनट्स भी बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो चुके हैं, एंड ये हमारा बहुत बढ़िया सा मैरिनेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट मैरिनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट मैरिनेशन करने के लिए हमें करना क्या है, जो हमने पहले मसाला रेडी किया था ना, वो गर्म मसाले वाला पेस्ट, उसे हमें डालना है। साथ में रेड चिली पाउडर हम इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा सरसों का ऑयल, और साथ में जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और फिर दही। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दही डालने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी। तो यहाँ पर देखिए, मैं हल्दी डाल रही हूँ, और फिर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार में, और फिर क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया सा हमें इसे मिक्स करना है। और फिर इसके साथ में हम अपना मैरिनेशन शुरू करेंगे अपने चिकन्स का। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम इसे मिक्स कर रहे हैं, एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, दही की एक भी गुठली नहीं बचनी चाहिए, इतने अच्छे से हमें इसमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, एंड ये हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने चिकन्स को मैरिनेट करेंगे इसमें।
यहाँ पर देखिए मैं अपने चिकन्स को बहुत बढ़िया से इसमें मैरिनेट कर रही हूँ, एकदम अच्छी तरह से इसको हमें इसमें लगाना है ताकि अंदर तक इसके कट्स के अंदर तक चली जाए सारे स्पाइसेस और फिर टेस्ट एकदम बढ़िया सा दे दे। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। एंड अब हमें करना क्या है कि इसे एक आवर के लिए हमें रख देना है ताकि बहुत बढ़िया से ये मैरिनेट हो जाए और एकदम टेस्ट इसका सुपर आए। लेकिन इसे मैरिनेशन में होने के लिए पहले एक काम करना ज़रूरी है, तो हमें वो काम क्या करना है कि सबसे पहले एक पैन लेनी है, उसमें लेना है हल्का सा ऑयल। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल लिया है एंड फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और फिर इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा प्याज। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसमें प्याज भी डाल दे रही हूँ और फिर इसमें क्या करना है हमें कि बिल्कुल बढ़िया से इसे भूनना है और हम अपने कीमे को अभी भूनने वाले हैं। जो स्पेस है ना हमारे चिकन के बीच में, तो उस स्पेस में हम अपने कीमे को फिल करेंगे और फिर जब हमारा जो प्याज है वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हमें करना क्या है कि इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हमने पहले लिया है हल्दी पाउडर, फिर साथ में हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर भी और फिर इसमें जाएगा वो जो पेस्ट हमने गर्म मसाले वाली रेडी करी थी ना, वही वाली पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और फिर क्या करेंगे कि इसे हल्का सा भूनेंगे ताकि कच्चापन इसका निकल जाए, फिर हम अपने कीमे को इसमें डाल करके भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना कीमा इसमें डाल दिया है एंड बिल्कुल बढ़िया सा हमें इसे भूनना है ताकि जो भी कच्चापन है हमारे कीमे का वो हट जाए और फिर हमारा जो चिकन है एकदम बढ़िया सा टेस्टी बने। तो यहाँ पर देखिए मैं कीमे को अच्छी तरह से भून रही हूँ और फिर करना क्या है हमें कि इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे हम क्योंकि हमारे मैरिनेशन में भी नमक है, फिर इसमें भी नमक हो जाएगा और फिर हम अपने ग्रेवी में भी थोड़ा सा नमक डालेंगे ही, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नमक डाल दिया है एंड फिर क्या करेंगे हम कि इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक इसे यहाँ पर पकने के लिए देंगे। 5 मिनट में ये बहुत बढ़िया सा बन करके रेडी हो जाएगा एंड ये हमारा जो है बहुत बढ़िया सा बन करके रेडी हो भी चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्टोव को करेंगे ऑफ और फिर अपने नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। एंड अब हमें करना क्या है कि एक एग लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग लिया है, वो भी बॉइल्ड वाली एग लेनी है हमें और फिर उसे बिल्कुल बढ़िया से पीसेस में कट कर लेना है। तो अभी हम क्या करें कि इसे लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हैं और फिर उसके बाद ब्रेथ वाइज भी हम इसे कट कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से पीसेस में हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हाफ को कट कर लिया है एंड फिर हम क्या करेंगे कि सेकेंड हाफ को भी अपने एग को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से पीसेस में। और फिर इन पीसेस को हमें करना क्या है कि अपने कीमे में डाल देना है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है कट कर, तो हम इस पीसेस को अपने कीमे में डाल देंगे। तो यहाँ पर ये मेरा कीमा है और फिर ये गया इसमें और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम इसमें। ये देखिए बहुत बढ़िया सा हम इसे मिक्स कर रहे हैं और फिर मिलाने के बाद में हम इसे डालेंगे अपने चिकन के अंदर। तो चलिए डालते हैं। तो ये रहा हमारा चिकन एंड फिर हम क्या करेंगे कि इस चिकन के बीच में हम डालेंगे यहाँ पर बिल्कुल अपने चिकन को, मतलब चिकन वाले कीमे को। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने चिकन वाले कीमे को डाल रही हूँ इसमें, बिल्कुल बढ़िया से भर करके हमें इसमें डालना है। इससे क्या होता है कि बहुत टेस्टी सा फ्लेवर आता है इसमें, मतलब बहुत टेस्टी सा टेस्ट आता है, फ्लेवर नहीं कहेंगे इसको, टेस्ट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें पूरे अच्छी तरह से भर भर कर डाल रहे हैं कीमे को और एकदम फुल कर देना है इसे। और फिर एक बार ये फुल हो जाए हमारा तो हम इसे क्या करेंगे कि पैक कर देंगे। तो ये हमारा फुल हो चुका है, तब हम इसे पैक करेंगे। कैसे पैक करेंगे, तो इस तरह से कर देंगे इसे और फिर साइड साइड में टूथपिक डाल देंगे। बिल्कुल इस तरह से टूथपिक हमें डाल देना है ताकि दूसरे साइड से भी टूथपिक निकल जाए। ये देखिए हमारा एक टूथपिक निकल गया एंड यहीं पर ऐसे 3-4 टूथपिक्स डाल करके इसे पैक कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैं 3-4 टूथपिक्स डाल रही हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से ताकि जो हमारा कीमा है वो बाहर ना निकले। बिल्कुल बढ़िया तरह अच्छी तरह से हम उसमें टूथपिक्स डाल देंगे और फिर से 1 आवर के लिए छोड़ देंगे। और अब हमारा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे कि अपने चिकन को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही वाली पैन ली जिससे मैंने कीमा बनाया था एंड उसी पैन में हमें करना क्या है कि अपने चिकन को डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने चिकन को डाल दिया है एंड इसके ऊपर से हम क्या करेंगे कि वो जो हमारा ग्रेवी रह गया था ना उसमें, वो वाला जब हम मैरिनेट कर रहे थे अपने चिकन को, तो वही वाली ग्रेवी को हम इसमें डाल देंगे एंड बिल्कुल बढ़िया सा इसे फ्राई होने देंगे, मतलब कि सिकने के लिए देंगे। और जब तक ये हमारा सिकता है तब तक हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग सा पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी और जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने स्पाइसेस रेडी किए थे ना अपने गर्म मसाले वाले उसको, और फिर उसके बाद में
जो हमारा काजू वाला पेस्ट था वो वाले भी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पेस्ट को डाल दिया है इसमें। और फिर हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल बढ़िया सा यहाँ पर भुनेंगे, मतलब कि बिल्कुल बढ़िया सा यहाँ पर पकाएंगे, क्योंकि हमें इसी की ग्रेवी बनानी है ना इसलिए। और फिर साथ में हम इसमें वो वाली भी ग्रेवी डाल देंगे जो बच गई थी मैरिनेशन के वक्त। तो यहाँ पर देखिए मैंने वो वाली भी इसमें डाल दी है। और फिर क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, और क्योंकि हम इसकी ग्रेवी बनाने वाले हैं तो ग्रेवी तो एकदम टेस्टी होनी चाहिए ना, इसलिए बिल्कुल बढ़िया से हम इसे पकाएंगे। और फिर डालेंगे इसमें स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है गोल्ड मिर्च, फिर उसके बाद है इसमें जिंजर गार्लिक, और फिर साथ में हमने इसमें डाल दिया है जीरा भी, एंड उसी के मैंने पेस्ट बना लिया है बिल्कुल बढ़िया से, तो वही मैंने इसमें डाल दिया। एंड अब हम क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे अपने इस ग्रेवी में, एंड साथ में इसमें जाएगा हल्दी बिल्कुल बढ़िया सा कलर देने के लिए हल्दी, और फिर एकदम टेस्टी टेस्टी सा तीखापन देने के लिए रेड चिली पाउडर, बिल्कुल बढ़िया से खूब सारा रेड चिली पाउडर हम इसमें डालेंगे। और फिर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपने ग्रेवी के साथ में, और फिर इसे पकाएंगे रेगुलरली। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे पकाए जा रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया से पकाना है एकदम, इससे खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अगर आप जब इसे पकाएंगे तब आपको पता चलेगा कितनी टेस्टी सी चीज़ होती है ये। एंड ये जो हमारा चिकन है वो भी एक साइड से बहुत बढ़िया सा सिक चुका है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी साइड को भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है, एंड ये देखिए कितना बढ़िया सा ब्राउन ब्राउन कलर आया है इस पर। तो इस साइड से भी हमें इसी तरह से पकाना है उसे, और फिर जब तक वो हमारा पकता है तब तक हम अपनी ग्रेवी को भी पकाते हैं, बिल्कुल रेगुलरली चलाते हुए पकाना है अपनी ग्रेवी को, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर ग्रेवी नीचे चिपक जाएगी। एंड ये ग्रेवी भी हमारी बहुत बढ़िया से रेडी हो चुकी है, एंड अब हमारा जो चिकन है वो भी दोनों तरफ से बहुत बढ़िया सा सिक चुका है, तो हम इसमें अपने चिकन को डाल देंगे। एंड ये हमने अपना चिकन डाल दिया, एंड अब क्या करेंगे कि अपने चिकन को ग्रेवी के साथ में थोड़ा सा पकाएंगे, इसके ऊपर खूब सारा अपना ग्रेवी डाल देते हैं, और फिर थोड़ी देर तक हम इसे यहाँ पर पकाने वाले हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पर अभी मीडियम फ्लेम रखी हुई है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, मीडियम फ्लेम रखी हुई है हमने, और फिर हम इसे बहुत बढ़िया सा पका रहे हैं। एंड ये देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी सा चिकन हमारा बन रहा है। भी एक बार घर पर इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया सा टेस्ट है इसमें। लेकिन 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 अभी इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ बाकी है, और वो ज़रूरी चीज़ मैं अभी बताऊंगी, उसके बिना तो इसमें वो टेस्ट ही नहीं आता जो रेस्टोरेंट में मुर्गी मसाला में मिलती है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे कि थोड़े से मिंट लीव्स इसके ऊपर डालेंगे एकदम बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए। मैंने यहाँ पे मिल्क लीव्स इसके ऊपर डाल दिया है, एंड क्या करेंगे कि ढक देंगे इसे बिल्कुल अच्छा सा, एक किसी भी ढक्कन से ढक देंगे इसे, और फिर पकने देंगे ताकि बहुत बढ़िया सा ये पक जाए। एंड उसके बाद से हम वो वाला काम करेंगे जिससे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली इसमें टेस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे ढक्कन से ढक रही हूँ, एंड फिर ढकने के बाद ज़्यादा नहीं, हमें 5 मिनट यहाँ पर ढके हुए रहना है, एंड फिर 5 मिनट्स पूरे होने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 मिनट पूरा हो चुका है, एंड मैंने ढक्कन हटा लिया है। एंड अभी हमें करना क्या है, रेस्टोरेंट वाली टेस्ट लानी है, तो उसके लिए हम एक कटोरी प्लेस करेंगे, एंड उसमें डालेंगे एक कोल। तो यहाँ पर मैंने एक कोल डाल दिया है, एंड इसके ऊपर डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया, एंड जल्दी से जैसे इसमें धुआं आने लगे फटाक से इसके ऊपर हम डाल देंगे वही वाली ढक्कन, और फिर हमारा जो मुर्ग मसलम है वो बन करके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए एकदम टेस्टी सा, इसे खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है, ये हमारा बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसे एक बार घर पर ज़रूर से बनाइए, आप इसे किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं, अगर चाहे तो नान के साथ खाइए, चाहे तो पुलाव के साथ खाइए, जिसके साथ भी आपका मन हो आप उसके साथ खाइए, लेकिन ज़रूर बनाइए, ज़रूर से खाइए, अपने फैमिली के साथ में शेयर करके खाइए, सबको खिलाइए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़ बिल्कुल एक बार खाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। ज़रूर से बनाइए, और हाँ जब आपने इसे घर पे बनाया तो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड नेक्स्ट रेसिपी आपको क्या चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है गाइस, अब आप इसे घर पे बनाइए, और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी शानदार रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।